नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। देखा ना एक मंच में कैसे पेड़ को मार के गिराते हैं, ताली बजाओ। आपने इतने बड़े पेड़ को कैसे तोड़ा मास्टर? इसे तो असली पेड़ और नकली पेड़ का फर्क ही नहीं पता है। You really great master. आपकी बॉडी तो बिल्कुल ब्रैड पिट जैसी है। हाँ, लेकिन छोटा सा फर्क है, वो ब्रैड पिट है और ये बैड फिट। Shut up. मास्टर, आप ये बताइए आपने इतने बड़े पेड़ को कैसे गिरा दिया मास्टर? कराटे से सब हो सकता है। ये तो कुंग फू था ना? कराटे, कुंग फू, ताइक्वांडो, मार्लिन ब्रांडो। ये तो हॉलीवुड एक्टर है। हाँ, वो भी मेरा शिष्य है। hey, तुम्हें मार्शल आर्ट के बारे में पता है? आपको डंडा आर्ट्स पता है? hey, आखिर तुम यहाँ करने क्या आए हो? रूल नंबर 44 के हिसाब से आपको 11 बजे जूस पीना है ना, तो दो ना। अभी 11 नहीं बजे। अभी 11 नहीं बजे तो फिर क्यों आए हो? देने के लिए रूल है लेकिन आने के लिए नहीं है। अरे तो... ए, क्लास चल रही है ना, तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? अरे इसे छोड़ो, चलो अपना वर्क करते हैं बेबी। इसे वर्क नहीं, वर्कआउट कहते हैं। शट अप। अरे बाप। मास्टर, उस तरह के पेड़ को तोड़ने की प्रैक्टिस मैं करूं क्या? नो नो, उसे भी जाने दो, अभी कुंग फू सैल्यूट सीखो। मुझे आपसे 3 फुट दूर रहना चाहिए है ना? तू वहीं रह, मैं खुद आता हूँ, मैं खुद आता हूँ। फेंक मेरे मुँह में। नहीं मास्टर, नेक्स्ट रूल आपको नहीं पता है। मास्टर, अगर आप गलती से भी 3 फुट के अंदर आ गए ना मास्टर, तो मुझे आपको देख करके डरना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बजा बजा। मास्टर, तो फिर क्लास कैंसिल। अभी तो ये नहाएंगे, अपनी जटाएं बांधेंगे, फिर आएंगे। भड़क गए क्या? सब लोग चले गए, अब कुछ बोलो ना। हमारी क्लास चलना तुम्हें पसंद नहीं है क्या? वो क्या है ना, मेरा अलग क्लास है तो ये क्लास मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हें सेंस है क्या? लाइसेंस भी है मेरे पास। मैं सेंस कह रही हूँ और तुम लाइसेंस की बात कर रहे हो? जब सेंस होता है तभी तो लाइसेंस देते हैं ना। नॉनसेंस। ओ, उसमें भी सेंस छुपा, ढूंढ के देख लो। गणेश। आ गए गणेश जी, लो बात कर लो। मैं हूँ गुरुओं का गुरु, ज्योतिष में पारंगत, भूत भविष्य वर्तमान बताने वाला। जो हुआ वो बताऊंगा, जो होने वाला है वो भी बताऊंगा। ओ साहब, आपके चेहरे पर जो फायर है उसे टायर के पीछे छुपाने की कोशिश मत कीजिए। जैसे आप दिख रहे हो वो हो नहीं, और असल में आप जैसे हो वो आप दिख नहीं रहे। गुरु की शपथ खा के कहता हूँ, आपकी जिंदगी में अब मुसीबत आने वाली है। क्या बकवास कर रहा है, जाकर अपना काम देख। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, इसे हल्के में मत लो। देख लिया आपने साहब, कौआ भी काँव काँव करके कुछ कहना चाह रहा है। हाँ हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, आपकी जिंदगी में बैड टाइम की शुरुआत हो चुकी है। जिंदगी का पहिया चित्र विचित्र तरीके से घूमने वाला है, और जो पहिए को घुमाएगा वो आने वाला है। भैया, ये बैरागी कहाँ मिलेगा? बैरागी मुझे नहीं पता। अरे भैया सुनिए ना, ये बैरागी कहाँ मिलेगा? बैरागी मुझे नहीं पता। ए भाई, ये बैरागी कौन है? मैं कहाँ आया तू? छोड़ दो भाई, बैरागी का आदमी मैं। हेलो, क्या बोल रहा था तू? बीड़ी पीना बॉडी के लिए हानिकारक है। यहाँ कोई आवाज नहीं करेगा, बैरागी का आदमी हूँ। क्या नमस्ते भाई, है क्या परेशानी है? कौन है तू? नहीं, आपका फैन हूँ बस। मेरा फैन? शाहरुख और सनी लियोनी के फैंस हो सकते हैं, तो बैरागी के फैंस क्यों नहीं हो सकते? क्या बात बोली है तूने। चल बता, मुझे सेल में आपका एक फोटो चाहिए। एक मिनट भाई, रेडियो के आता हूँ। अभी लो भाई, मेरा फेवरेट नंबर। मुझे जेल के सेल में नहीं, आपकी वांटेड वाली फोटो नहीं, अपने सेल से सेल्फी लेनी है। अब भाई गलत समझ लिया, मुझे बचपन से कुछ ऐसी आदत है। पकड़ बे,
वो क्या है ना, मैं वार्ड मेंबर के लिए चुनाव में खड़ा हूँ। मेरा निशान हांडी है भाई। अगर आप हांडी में बैठ के फोटो खिंचवाएंगे तो उस निशान को देखकर लोग मुझे वोट देंगे। बैलेट बॉक्स में सिर्फ मेरे ही वोट पड़ेंगे और मैं जीत जाऊंगा। हांडी वाले पोज में क्या लग रहा है? पोज अच्छा है ना? एक यहाँ से ले लो भाई, साइड पोज भी दीजिए ना। ये वाली कैसी है? अगर आप मेरी मीटिंग में बैरागी भाई को बुला देंगे ना तो मुझे कुछ वोट मिल जाएंगे। बुलाइए ना बैरागी को, ऑटो रिक्शा जो बुला लेगा अब वो ऑटोमेटिकली आएगा। अरे आग क्यों लगा दिया? अरे बुझा नहीं थे। अगर खाना पकाना हो तो आग तो लगानी ही पड़ती है। अगर वो 10 मिनट लेट हुआ तो इसमें तेरा बटर चिकन बन जाएगा। मुझे मुर्गा समझा है क्या? बैरागी का आदमी हूँ। कूल कूल ब्रो कूल। अबे कूल रहने के लिए एसी में बिठाया जाता है, तूने तो मेरे नीचे आग लगा रखी है बे। अगर तुम्हें इतना जल रहा है तो खुदक के बाहर आ जाओ ना। जल्दी से किसी को कॉल नहीं किया तो मुर्गा बना के खा जाएगा ये मेरा। हेलो। अबे ओ कंट खजूरे, वक्त से पहले पैदा होने वाले कहाँ है तू? ए कौन है बे तू? अबे यहाँ मैं मुर्गा बोल रहा हूँ, तू मेरा इंट्रोडक्शन पूछ रहा है? अबे भैंस भी तुझसे गोरा ही होगा बे। सड़क से गुजर जा तो तेरी गन से लोग चक्कर खा के नीचे गिर जाते हैं बे। अरे बता मैं कौन है? अबे भाई को फोन दे। अरे कौन से भाई? भाई भाई नमस्ते भाई, नमस्ते भाई। तू तो अपरिचित का बाप लगता है, अपने टोन को रिंग टोन के जैसा क्यों बदल रहा है? अब कुछ नहीं है भाई, आपका एक लड़का आपको देखने के लिए बहुत तरस रहा है भाई। कहाँ है तू, बता जल्दी। फूल मार्केट के बाजू के गली में हो भाई। ले भाई, भाई अपने लड़कों को भेज रहा है यहाँ पे। कमर के नीचे मेरा सब कुछ जल रहा है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकाल ले भाई, बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज। अबे हवा क्या कर रहा है, निकाल दे मुझे। लगता है भाई थोड़े से बिजी है इसीलिए ये लेजी लोग आए। अब ठीक है चलता हूँ। हेलो, हम कोई फिल्म देखने नहीं जा रहे, भाई के पास जा रहे हैं, अभी तुझे पता चलेगा। ए, मास्क दे। ये अच्छा है। अच्छा है ना, चल बाय। अब चल। अरे बाप रे, कहीं गलती से नंबर भाई को तो नहीं लग गया था? फिर से एक बार कोशिश करता हूँ। यही कहीं बज रहा है। भाई को कॉल किया था, कम खजूरे को कहाँ से लग गया? नमस्ते सर, कॉल मैंने ही किया था। मेरे बचपन में मेरे माँ बाप स्कूल टीचर और फिर मेरी बीवी ने भी मुझे इतना बुरा कभी नहीं बोला। चल बोल, फोन क्यों किया था मुझे तूने? नीचे का जल रहा था इसलिए कॉल किया। अबे तेरा तो नीचे जल रहा था लेकिन मेरा तो दिल जल रहा है। ए कांस्टेबल, इसे हांडी के साथ उठा के ले चल। हेलो, बैरागी कहाँ है? सुन, तू बाहर बैरागी के बारे में पता कर रहा था ना, इसीलिए भाई ने तुझे बुलाया है। बैरागी किधर है? बैरागी किधर है? ऐसा पब्लिक में पूछता हुआ फिर रहा है, अब बता। ऐसा क्यों? अरे भाई मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, इसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है? बैरागी ही प्रॉब्लम है, उसने मेरे बाप को मारा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसके खून से पिता के फोटो पे तिलक लगाऊंगा। उसके कुर्सी पे कब्जे का इंतजार तुम्हें 15 सालों से कर रहा हूँ। वाह क्या मकसद पाला है? तेरी वजह से हमें खतरा है, तू अपनी इंक्वायरी बंद कर दे पूरी तरह से। मैं उसका नाम लेकर इंक्वायरी करता हूँ तो प्रॉब्लम है? तो फिर मैं उसकी फोटो लेकर इंक्वायरी करता हूँ, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फोटो क्या रे? बैरागी कैसा दिखता है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी फोटो मेरे पास है। उसके फोटो के जरिए इंक्वायरी करके उसे ढूंढता हूँ, उसे खत्म करते वक्त तुझे बुला लूंगा। पूरी फिल्म लाइव देखना, थोड़ा कॉपरेट करना। फोटो दिखा, तलाशी ले। ये फोटो बिल्कुल उसी की है, जाके ठोक डालो उसे, ठीक है? ओरिजिनल फोटो दिखा। अगर मुझे टपका दिया तो तुझे बैरागी से कौन मिलाएगा? हम दोनों का दुश्मन एक ही है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। प्लीज यार फोटो दिखाना। फोटो दिखाऊं तो मुझसे पहले उसे टपकाएगा। उसे मारने वाला कोई भी हो, उसके मरने के बाद कुर्सी मेरी होगी। तुझे बदला लेना है तो तू ले उससे, लेकिन याद रखना तू अकेले नहीं मार पाएगा बिना मेरी मदद के। आज से हम दोस्त हुए। जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी ऊपर वाला करता है। चल साथ में ढूंढते उसे। अरे बाप रे, बच गया बेटा।
उसके सामने आपका सर झुकाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। hey, वैरागे के मिलने तक इसकी जरूरत है, बस वो मिल जाए उसके साथ साथ इसे भी काट डालूंगा। मेबी इसे देख के तुम्हें क्या समझ में आया? यही कि आपको मच्छरदानी की जरूरत नहीं है मास्टर। इसको शॉर्टकट लॉक कट नहीं समझ में आया, इसको ऑटोमेटिकली डायरेक्ट गियर में डालना होगा। अच्छा ये तुम्हें तलवार लग रही है क्या? नहीं, ये है हमारी खानदानी अगरबत्ती। पुराने जमाने में चाइना के लोग डेंगू के डर से घर के अंदर जाके छुप जाया करते थे। हमारे दादाजी तलवार लेकर लाखों मच्छरों का सर काट कर चाइनीज लोगों की जान बचाई थी। एक छोटा सा मच्छर उनकी यहाँ गर्दन पे बैठ गया और जब वो उस मच्छर की गर्दन काटने गए तो दादाजी ने अपनी ही गर्दन काट ली। उसके बाद दादा, मच्छर और डेंगू तीनों हो गए ऑल आउट। अभी से मच्छरों को मारने वाली कंपनी हमारी फैन हो गई बेबी। आओ, इसलिए ये मर्म कला बहुत खतरनाक है और मच्छरों को मारने वाली धर्म कला है। अभी मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। तलवार को इस तरह से ऐसे पकड़ते हैं, दूसरे हाथ को ऐसे पकड़ना चाहिए, इस तरह से निकालना चाहिए, पोजीशन को सेट करके उसे इस तरह से सही जगह पर रखना चाहिए। दरवाजे पे नॉक करके आना चाहिए, धक्का देके नहीं। क्या कर रहा बदमाश? मम्मी नहीं 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 मम्मी। मास्टर पेट में सॉस की थैली क्यों बांधी है? बीच में खाते रहते हैं क्या? अरे बेवकूफ, ये पेट से नहीं मेरे पॉकेट से निकला है। ये बता तू यहाँ आया क्यों है? बता ना। रूल नंबर 64 में क्या है? पूरे दिन में शाम के वक्त आपको 4 बादाम खानी है। ये लीजिए, खा लीजिए। इसमें तो 4 बादाम होने चाहिए थे, वो कहाँ है? रूल के नीचे ब्रैकेट में क्वालिटी बादाम देना है ऐसा लिखा हुआ है, तो टेस्ट करने के लिए मैंने खा लिया। अरे फिर तुम्हें दूसरे 4 लाने चाहिए थे ना? रूल के हिसाब से सिर्फ 4 ही देना है, आप कल खा लेना। क्यों भाई, क्यों मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हो भाई? जाग में तुम क्या मेरे जीवन के साथ खेलने आए हो? एक क्लास फिगर। मास्टर इसने मुझे आंख मारी। मास्टर क्यों रे तूने इसको आंख क्यों मारी है? मुझे आंख मारने की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। मैं एक इज्जतदार परिवार से हूँ। इज्जतदार परिवार? और तुम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हो? रूल नंबर 64 के हिसाब से अगर कोई 9 फीट के फासले पर आपके करीब आता है तो मेरा काम है एक नजर उस व्यक्ति को देखना। तो जब एक आंख बंद करके देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे आंख मारी हो। सर सर सर, थोड़ी देर पहले यहाँ एक आदमी बैठा हुआ था। बता सकते हैं वो कहाँ गया? कौन? यही है वो आदमी। ये कौन है और तुम कौन हो? मुझे क्या मालूम, मुझे परेशान मत करो। सर 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 प्लीज बताइए। हिंदी आती है ना तुम्हें? कहा ना नहीं पता। आजा मेरे प्यारे चाइनीज नूडल्स। इतने दिनों से मैं इसे बेवकूफ समझ रहा था।